जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर कोविड आईसीयू में भर्ती मरीजों से क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने विजिट कर मरीजों से चर्चा कर डॉक्टरों को दिए आवश्यक निर्देश हैं। जिला अस्पताल के वार्डों में जाकर ऑक्सीजन लाइन एवं अन्य व्यवस्थाओं को भी देखा। सांसद गजेंद्र पटेल द्वारा जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर में बनाए कोविड संक्रमित आईसीयू का जायजा लिया। भर्ती कोरोना संक्रमितों से चर्चा कर उनके हाल जाने, अस्पताल में भ्रमण कर सिविल सर्जन को साफ सफाई एवं अन्य कार्यों के लिए निर्देशित किया। वहीं सांसद ने बताया कि जिला अस्पताल में हम आने वाली तीसरी लहर के लिए अभी से ही प्रयासरत है, छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। वे सांसद ने बताया जिला अस्पताल में आदिवासी बाहुल्य जिला खरगोन और बड़वानी के लोगों को कम दरों पर सभी प्रकार की जांच के लिए सर्व सुविधा युक्त आधुनिक लैब एवं ब्लड बैंक के लिए मध्य प्रदेश रेड क्रॉस के चेयरमैन और दिल्ली के सचिव से निवेदन किया गया, जिसे स्वीकृत कर लिया गया है। अब जल्द ही खरगोन बड़वानी में लैब एवं ब्लड बैंक की सुविधाएँ मिलेगी। इस दौरान अपर कलेक्टर लोकेश जांगिड़ भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बेड अब खाली भी हैं और उसका हमने मुआयना भी किया। मेरे साथ कोविड के प्रभारी अधिकारी जांगिड़ जी भी हैं और पार्टी के अन्य लोग भी हैं। हमने एक बार पूरे वार्ड का विजिट किया, कोविड वार्ड का विजिट भी किया और जनरल वार्डों का विजिट भी किया। अब जो छोटी छोटी चीज़ें जो ध्यान में आ रही है कि भाई ये चीज़ की कमी है, यहाँ पर पंखा नहीं, यहाँ पर लाइट की कमी है, यहाँ पर ये चीज़ करना चाहिए, ऐसे तमाम बिंदु हमने नोट करें। कहीं मेन पावर बढ़ाना है, कहीं हमको जो मैंने 25 लाख रुपये की राशि दी वो जो आईसीयू वार्ड कहाँ बनेगा उसका क्या प्लानिंग है, सब प्रकार की बातचीत हुई। निश्चित तौर पर हम तीसरी फेज की लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। उसको लेकर जो जो भी कमी पेशेंट को ध्यान में आती है उसको हम अभी से उसको पूर्ति करेंगे, तो आने वाले भविष्य के कुछ चीज़ों को लेकर हम सतर्क भी रहेंगे। और निश्चित तौर पर ये हम लोग आगे जनता में अगर कोई इस प्रकार का संक्रमण फैलता है तो उसको बचाने के लिए हमारा जिला अस्पताल तत्पर रहे, खड़ा रहे और हम अधिक से अधिक लोगों को इस संक्रमण की बीमारी से बचा पाएँ, इसके हम तैयारी के हिसाब से विजिट हमने किया है। मैंने मध्य प्रदेश के रेडक्रॉस के चेयरमैन आशुतोष पुरोहित जी से और दिल्ली के सेक्रेटरी रेडक्रॉस के मैंने निवेदन किया था कि भाई मेरा जो खरगोन बड़वानी जो लोकसभा है ये ट्राइबल है, ये जनजाति बाहुल्य है, यहाँ पर जनजाति लोग बहुत अति गरीब भी हैं जो काफ़ी संघर्ष के बाद में इलाज भी कर पाते हैं। इसलिए कम दरों पर रेडक्रॉस अगर अपनी लैब खोलता है, ब्लड बैंक खोलता है, तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र की जनता को मिलेगा। और निश्चित तौर पर राष्ट्रीय सचिव ने और मध्य प्रदेश के रेडक्रॉस के चेयरमैन ने इस बात को स्वीकारा और बड़वानी और खरगोन में दोनों में एक टेस्टिंग लैब और ब्लड बैंक खोलने का उन्होंने आश्वासन दिया है और कलेक्टर को पत्र भी लिखा है, जिसकी व्यापक तैयारी के लिए अभी विगत दिनों इसके चेयरमैन भी आने वाले हैं और इसको देखकर वो अपनी आने वाले 1-2 महीने में ये लैब का स्थान भी तय हो जाएगा और ये लैब शुरू करने में पहल की शुरुआत भी हो जाएगी। ये लैब करीब जाएगी 40-50 लाख रुपए के आसपास है, जहाँ पर सब प्रकार के टेस्ट होंगे, ब्लड के टेस्ट होंगे और कम दरों पर रेडक्रॉस के द्वारा किया जाएगा और ये नाम मात्र दरों पर ही उपलब्ध होगा, जिससे हमारे आदिवासी समाज के लोगों को और हमारे क्षेत्र के लोगों को इसमें फायदा मिलेगा। RPTV न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही RPTV की न्यूज की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।